हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। इन्फ्लोरेसेंस जो है हमें जीपीबी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। द ब्रांच सिस्टम ऑफ फ्लोरल रीजन बियरिंग अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ये एक्चुअली ब्रांच का ही सिस्टम रहता है, इसमें ग्रुप ऑफ फ्लावर्स रहते हैं, गुच्छे में फूल रहते हैं। अब द मोड ऑफ डेवलपमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन शूट एक्सिस इज नोन एज फ्लोरेसेंस। या तो दूसरा डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं कि मोड ऑफ डेवलपमेंट, कैसे इस शूट पे एक्सिस पे डेवलप होता है, कैसे अरेंजमेंट रहता है फ्लावर्स का, किस तरीके से फ्लावर्स रहते हैं। तो आपने अमलता से गुलमोहर का फूल देखा होगा, तो उसमें फ्लावर का अरेंजमेंट रहता है, अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, तो द स्टॉक ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज पेडेंकल एंड द स्टॉक ऑफ द इंडिविजुअल फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल। तो जो ये स्टॉक है, इसका इन्फ्लोरेसेंस का स्टॉक है, उसको हम लोग पेडेंकल बोलते हैं। ये एक टाइप स्टेम ही है एक्चुअल में, ये सपोर्ट करता है इन्फ्लोरेसेंस को। और जो पेडिसिल रहता है वो फ्लावर को सपोर्ट करता है। तो फ्लावर के स्टॉक को बोलते हैं पेडिसिल और इन्फ्लोरेसेंस के स्टॉक को बोलते हैं पेडंकल। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस। इन्फ्लोरेसेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज रेसिमोस, साइमोस, स्पेशल। तो एक एक करके हम सारे टाइप्स पढ़ेंगे। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंसेस, द मेन एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस डज नॉट एंड इन अ फ्लावर बट इट कंटिन्यूज टू ग्रो एंड गिव अ फ्लावर्स लेटरली इन एक्रोपिटल सक्सेशन। तो क्या होता है कि ये इन्फ्लोरेसेंस है, जैसे ये इसी का रेसिमोस का एक टाइप है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो फ्लावर का ये जो एक्सिस रहता है, ये उगता जाता है लंबा ऊपर तरफ। ठीक है, तो ये काफी लंबा उगता जाता है, जितना प्लांट की हाइट होती है उतना उगता है, और इसमें कभी फ्लावर नहीं आता। ठीक है, और एक्रोपिटल सक्सेशन में फ्लावर उगते हैं, दैट इज द लोअर और आउटर फ्लावर्स आर ऑलवेज ओल्डर एंड ओपन अर्लियर देन द अपर और इनर वंस। तो क्या होता है, जब बाहर के या नीचे के फूल रहते हैं वो पहले ओपन हो जाते हैं। जैसे इसमें देख रहे होंगे, इसमें क्या हुआ कि ये जो फूल है फल बन चुके हैं असल में, तो ये फूल पहले ही खिल चुके थे और अभी ये फल बन चुके हैं, यहाँ पर अभी फूल ही है। तो इसमें नीचे के फूल जो है वो पहले खुल जाते हैं, और फिर इस टाइप के एक्रोपिटल ओपनिंग को बोलते हैं, एक्चुअली सेंट्रिपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाहर से अंदर के तरफ उगता है, मतलब अंदर के तरफ खुलता है फ्लावर। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को इनडिटर्मिनेट टाइप भी कहते हैं, इनडेफिनेट टाइप भी कहते हैं, और कंटिन्यूस टाइप भी कहते हैं। इनडिटर्मिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ जो रहती है ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम पता नहीं कर सकते कितना होगी, क्योंकि इसका मेन एक्सिस तो उगता है, काफ़ी लंबा जाता है। और इनडेफिनेट टाइप का भी वही मतलब हुआ, और कंटिन्यूस टाइप मतलब इसका जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करता है। ठीक है, मेन एक्सिस एलोंगेटेड, रेसीम पहला टाइप है रेसिमोस का। तो द मेन एक्सिस इज एलोंगेटेड एंड इट बेयर्स लेटरली अ नंबर ऑफ फ्लावर्स विच आर ऑल स्टॉक लोअर स्लैश ओल्डर फ्लावर्स हैविंग लॉन्गर स्टॉक देन द अपर स्लैश यंगर फ्लावर्स। उसमें क्या होता है, जो फ्लावर्स होता है ना, वो स्टॉक रहती है, यानी पेडिसिल रहता है उनका, ये जो टंडी जैसा है वो रहता है फ्लावर का। ठीक है, और लोअर स्लैश ओल्डर फ्लावर्स हैविंग लॉन्गर स्टॉक देन द अपर स्लैश यंगर फ्लावर्स। तो इसमें जो लोअर फ्लावर्स का स्टॉक रहता है ना, वो लंबा रहता है, जहाँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ लंबा स्टॉक है, यहाँ तो पास पास में ही उग गया है। ठीक है, तो जो ओल्डर फ्लावर्स है, नीचे के फ्लावर्स होते हैं, उसका लंबा स्टॉक रहता है, तो उसका लंबा स्टॉक रहता है यंगर फ्लावर्स या अपर फ्लावर्स से। इसका एग्जाम्पल है रेडिश, मस्टर्ड, पीकॉक फ्लावर, केशिया, ड्वार्फ गुलमोहर एंड सीजल पेनियो। व्हेन द मेन एक्सिस ऑफ रेजिम इज ब्रांच्ड एंड द लैटरल ब्रांचेस बियर द फ्लावर्स, इन्फ्लोरेसेंस इज सेट टू बी कंपाउंड रेसीम और पेनिकल। अब क्या होता है, जब मेन एक्सिस रेसीम का ब्रांच रहता है, और उस जैसे एक यहाँ पे मेन एक्सिस है, और मान लो यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं, कोई ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है। ठीक है, और इस ब्रांच में जो है वो फूल उग रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे फूल उग रहे हैं अलग से। ठीक है, तो फिर वो जो फूल होंगे वैसे टाइप का सिस्टम को बोलेंगे कंपाउंड रेसीम या पैनिकल। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल है गोल्ड मोहर और अमलतास। अमलतास का साइंटिफिक नेम है केशिया फिस्चूला। तो अब अगला टाइप देखते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का, स्पाइक। द मेन एक्सिस इज इलोंगेटेड एंड द लोअर फ्लावर्स आर ओल्डर एंड ओपन अर्लियर देन द अपर वंस। तो इसमें भी वही है, जैसे लोअर फ्लावर्स जो रहते हैं या जो पुराने फ्लावर्स रहते हैं वो पहले खुल जाएंगे, बट फ्लावर्स ससाइल होते हैं, यानी कि इसमें वो जो स्टॉक नाम के डंडी वो पेडिसिल जो रहता है वो नहीं रहता, इसमें डायरेक्ट फूल उस एक्सिस में उगते हैं। ठीक है, तो उस वैसे फ्लावर्स जिसमें स्टॉक नहीं रहता, पेडिसिल नहीं रहता, उसको ससाइल फ्लावर बोलते हैं, जिसमें रहता है उसको स्टॉक्ड फ्लावर बोलते हैं। तो इस एलोंगेटेड एक्सिस में ससाइल फ्लावर रहते हैं।
तो इसका एग्जाम्पल है एडाथोड़ा, एकाइरिन्थस, ट्यूबरोस, अमारांथस, ग्लैडियोलस और वीट। अब मेन एक्सिस एलोंगेटेड स्पाइकलेट्स। अब स्पाइकलेट्स क्या रहता है, स्मॉल एक टाइप का स्पाइक ही रहता है, स्मॉल स्पाइक यूनिट ऑफ अ कंपाउंड स्पाइक इन ग्रासेस विद वन और अ फ्यू फ्लोरेट्स एनक्लोज विद इन द ब्रैक्ट। ये जो इसका है ना, ये ब्रैक्ट है, ये ऐसा जो आर्क शेप का दिख रहा है ना, वो ब्रैक्ट है। उस ब्रैक्ट को बोलते हैं ग्लूम्स। तो ईच फ्लावर ऑफ स्पाइकलेट रिमेन्स एनक्लोज बाय लेमा एंड पिलिया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ ये फिगर में इसके यहाँ पे दो ऐसा कवरिंग दिख रहा होगा और इसके अंदर पे कुछ चीज, ये कवरिंग ही है लेमा एंड पेलिया। ठीक है, तो फ्लावर्स एंड ग्लूम्स आर अरेंज ऑन स्पाइकलेट इन टू ऑपोजिट रोज। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्रेंड, यहाँ पे ऑपोजिट ऑपोजिट रोज में है। स्पाइकलेट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोएसी फैमिली। तो ये ग्रास फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जाम्पल ग्रासेस, वीट, शुगर केन, बैम्बू एक्सेट्रा। अब मेन एक्सिस एलोंगेटेड वही रेसिमोस का चौथा टाइप कैटकिन स्पाइक विद अ लॉन्ग एंड पेंडुलस एक्सिस विच बियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ओनली। तो इसमें लॉन्ग एंड पेंडुलस एक्सिस, ये एक्चुअली कैट्स टेल है कैलिफा, इसमें लंबा ऐसा एक्सिस रहता है, उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स दिखते हैं, यानी कि ये फ्लावर, ये जो फ्लावर है, ये जो इनफ्लोरेसेंस है उसमें तो मेल फ्लावर्स होंगे या सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे। इसका एग्जाम्पल है मलबरी, एकेलिफा, कैट्स टेल, या कैलिफोर्निया तस्वीर है, बर्च, ओक एक्सेट्रा। अब पांचवा टाइप स्पैडिक्स, अ स्पाइक विद फ्लैशी एक्सिस विच इज एनक्लोज बाय वन और मोर लार्ज ऑफन ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट्स। तो ये तो हमने सबने देखा ही है, बनाना में देख सकते हैं, मेज में देख सकते हैं, ठीक है, पाम्स में, कोकोनट वगैरह में दिखता है, कोलोकेशिया, अमारोफिलिस में, अमारफोफाइलिस में दिखता है, और ये सिर्फ मोनोकोटलीडेंस में ही दिखता है। तो ये जो रहता है स्पैडिक्स, इसका जो कवरिंग रहता है, जैसे वो केले में पिंकिश पर्पल टाइप का जो कवरिंग रहता है, वो स्पैथ रहता है उसका जो कवर करता है। तो स्पैथ जो रहता है वो एक्चुअल में स्पैडिक्स का ब्रैक्ट रहता है, ठीक है। और ये पेडेंकल। अब कॉरिम अगला टाइप, छठवा टाइप कॉरिम। मेन एक्सिस इज कंपेरेटिवली शॉर्ट एंड मेन एक्सिस थोड़ा छोटा रहता है हाइट में, एंड द लोअर फ्लावर्स हैव मच लॉन्गर स्टॉक्स और पेडिसल्स देन द अपर वन। और जो नीचे का फूल रहता है उसका बहुत ही ज़्यादा लंबा सा स्टॉक रहता है, लंबी पेडिसल रहती है, और यहाँ के जो ऊपर के फ्लावर्स रहते हैं उसके छोटे पेडिसल रहते हैं, ठीक है। द मेन एक्सिस इज कंपेरेटिवली शॉर्ट एंड द लोअर फ्लावर्स हैव मच लॉन्गर स्टॉक्स और पेडिसल्स देन द अपर वन, सो दैट ऑल फ्लावर्स आर ब्रॉट मोर और लेस टू द सेम लेवल। तो लगभग जो फूल रहते हैं वो एक ही लेवल पे आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैंडीटफ्ट एंड वॉल फ्लावर। अब मेन एक्सिस शॉर्टेंड। अब अम्बेल में क्या होता है, द प्राइमरी एक्सिस इज शॉर्टेंड एंड इट बियर्स एट इट्स टिप अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स विच हैव पेडिसल्स ऑफ मोर और लेस इक्वल लेंथ। इसमें क्या होता है, प्राइमरी एक्सिस छोटा ही रहता है हाइट में, एंड इट बियर्स एट इट्स टिप अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स विच हैव पेडिसल्स ऑफ मोर और लेस इक्वल लेंथ। तो इसमें जो रहता है वो पेडिसल्स जो रहता है वो एक्चुअल में, देखिए ये फिगर देखने से समझ में आएगा, यहाँ पे क्या होता है कि इसमें अलग से फूल नहीं उग रहा है, ठीक है, यहाँ पे अलग से ब्रांचिंग हो जाती है, ब्रांचिंग होने के बाद उसमें फूल उगता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल एम्बल है और वो कंपाउंड एम्बल है उसके साइड में। तो यहाँ साइमोस इन्फ्लुएंसेस अभी आने वाला है पहले, तो ये अम्बल हो गया। अम्बल जो होता है वो एम्बली फेरे एक्चुअली में पुराना नाम है, एपीएसए नया नाम है, तो एपीएसी फैमिली में पाया जाता है अम्बेल। अम्बेल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपीएसी फैमिली, ठीक है। और देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट फॉर्मिंग एन इनवोल्यूक्यूल। वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट, ये है ब्रैक्ट यहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट गुच्छा जैसा रहता है, उसको बोलते हैं इनवोल्यूक्यूल। अम्बल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपीएसी फैमिली। व्हेन द अम्बल इज ब्रांच एंड द ब्रांच बी इज द फ्लावर्स, इट इज कॉल्ड कंपाउंड अम्बेल। एग्जाम्पल कोरिएंडर, क्यूमिन, कैरेट, फेनल, ओनियन। तो जैसे ब्रांच है, उसके और भी ब्रांच है, और उस ब्रांचेस में जाके लग रहे हैं फ्लावर्स, तो ये कंपाउंड अम्बल हो गया। व्हेन द अम्बल इज सिंपल और अनब्रांच एंड द मेन एक्सिस डायरेक्टली बियर्स द फ्लावर्स, इट इज कॉल्ड सिंपल अम्बल। ये सिंपल अम्बल है, इसका एग्जाम्पल है इंडियन पेनीवॉर्ट और वाइल्ड कोरिएंडर। कोरिएंडर धनिया को बोलते हैं। और मेन एक्सिस फ्लैटेंड, ठीक है। तो एक्चुअल में मेन एक्सिस एलोंगेटेड होता है रेसिमोस में, और फिर मेन एक्सिस शॉर्टेंड में इकलौता अम्बल है। मेन एक्सिस एलोंगेटेड में क्या क्या आता है, ये कॉरिम्ब आता है, स्पैडिक्स आता है, कैटकिन आता है, स्पाइकलेट्स आता है, स्पाइक आता है, रेसीम आता है। तो मेन एक्सिस एलोंगेटेड में 6 प्रकार है, और मेन एक्सिस शॉर्टेंड में 1 प्रकार है, मेन एक्सिस फ्लैटेंड में 1 प्रकार है। तो ये है एक्चुअल में सब रेसीमोस इन्फ्लोरेसेंस के प्रकार। अब मेन एक्सिस फ्लैटेंड में कैपिट्यूलम और हेड,
मेन एक्सिस और रिसेप्टिकल इज सप्रेस बिकमिंग ऑलमोस्ट फ्लैट। ठीक है, तो जो मेन एक्सिस रहता है वो फ्लैट रहता है, जैसे आप देख सकते हैं मेन एक्सिस जो है यहाँ से ऊपर से फ्लैट हो जाता है। ठीक है, और इट बियर्स मास ऑफ स्मॉल ससाइल फ्लावर्स, ससाइल फ्लावर्स जिसको फ्लोरेट्स बोलते हैं, ससाइल यानी कि उसमें डंडी नहीं, पेडिसिल नहीं रहता उसमें, ऑन इट्स सर्फेस इन सेंट्रिपिटल मैनर, जैसे इसलिए देख रहे उसमें डंडी नहीं है ना, तो इसलिए ससाइल फ्लावर हो गया। ठीक है, ऑन इट्स सर्फेस इन सेंट्रिपिटल मैनर, द इंडिविजुअल फ्लोरेट्स आर ब्रैक्टियल, और जो इंडिविजुअल फ्लोरेट्स है उसको ब्रैक्टियल बोलते हैं। होल क्लस्टर ऑफ फ्लोरेट्स इज सराउंडेड बाई वन और मोर वॉल ऑफ ब्रैक्स कलेक्टिवली नोन एज इनवॉल्यूक्यूल। देर आर टू काइंड ऑफ फ्लोरेट्स इन द हेड, अ हेड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्टेरेसिया फैमिली, तो इस सनफ्लावर फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक होता है हेड। इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, कॉसमोस, सैफ्लावर, गम ट्री, सेंसिटिव प्लांट, सेंसिटिव प्लांट यानी टच मी नॉट, माइमोसापुड़िका एक्सेट्रा। मेन एक्सिस फ्लैटन, ये देख सकते हो आप क्या फिगर। अब इसमें जैसे दो फ्लोरेट्स जो बोले, पहले रे फ्लोरेट्स यहाँ पे बाहर की तरफ पाया जाता है, रे फ्लोरेट्स। ठीक है, जो हेड के बाहर वाले पोर्शन में आर अरेंज इन द रिम ऑफ द रिसेप्टिकल हैविंग डिस्टिंक्ट येलो एंड स्ट्रैप शेप पटल्स, तो इसके येलो और स्ट्रैप शेप पटल्स होते हैं, तो यहाँ पे येलो पटल्स दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे येलो पटल्स दिखेंगे। दीज फ्लोरेट्स आर फीमेल और सेराइल फ्लोरेट्स, दे आर ऑलवेज जाइगोमॉर्फिक, तो ये फीमेल्स रहते हैं, स्टेराइल या तो फिर स्टेराइल रहेंगे या फीमेल रहेंगे, या तो और फिर फ्लावर्स जो रहते हैं वो जाइगोमॉर्फिक रहते हैं। जाइगोमॉर्फिक यानी कि वो जो रहते हैं वो सिमेट्रिकल जो रहते हैं, सिमेट्रिकल तो रहते हैं फ्लावर, लेकिन वो एक ही एक्सिस से सिमेट्रिकल होते हैं, कि जैसे हम लोग एनिमल्स में बायलेटरली सिमेट्रिकल बोलते हैं, वैसे प्लांट्स में जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं उसको। दे आर अरेंज्ड इन वन और मोर वॉल्स एंड आर ओल्डर एंड ओपन अर्लियर देन द इनर फ्लोरेट्स, जो अंदर के फ्लोरेट्स है उससे पहले खुल जाते हैं बाहर के फ्लोरेट्स, और अंदर के फ्लोरेट्स को बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। द इनर फ्लोरेट्स आर अरेंज इन सेंट्रल सेंट्रल ऑफ रिसेप्टिकल हैविंग येलो एंड ट्यूबुलर शेप पेटल्स, जिसके येलो पेटल्स होते हैं और ट्यूब शेप रहते हैं। दीज फ्लोरेट्स आर बाईसेक्सुअल रहते हैं ये, और एक्टिनोमॉर्फिक रहते हैं, यानी कि ये इसका हर मतलब जगह से, काफ़ी जगह से मतलब इसका सिमेट्री का एक्सिस बहुत सारा रहता है, एक ही एक्सिस नहीं रहता। ठीक है, जैसे रेडियली सिमेट्रिकल हम लोग एनिमल्स के टर्म के इसमें यूज करते हैं। दे आर अरेंज इन मेनी वर्ल्ड्स इन द सेंटर एंड आर यंगर एंड ओपन लेटर देन द आउटर फ्लोरेट्स, तो ये वर्ल्ड्स के रूप में रहते हैं सेंटर में और यंग रहते हैं, काफ़ी टाइम बाद खुलते हैं, मतलब ग्रे फ्लोरेट्स के कंपेरिजन में टाइम बाद खुलते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, अ सिंगल इंसेक्ट कैन ईजिली पॉलिनेट मोस्ट ऑफ द फ्लोरेट्स विद इन अ शॉर्ट टाइम, तो अब एक इंसेक्ट आया इसमें बैठा, अब यहाँ ये अलग अलग दो, यहाँ बाईसेक्शुअल है और यहाँ पे मोनोसेक्शुअल, तो यहाँ पे आराम से पॉलिनेशन हो जाता है, कि एक ही फ्लावर में आराम से पॉलिनेट कर देता है उसको, उसको तो अलग अलग फ्लावर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखते हैं साइमोस इनफ्लोरेसेंस, मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर एंड सिमिलरली द लैटरल एक्सिस ऑल्सो एंड्स इन अ फ्लावर, द ग्रोथ ऑफ ईच एक्सिस इज चेक्ड, द फ्लावर्स डेवलप इन बेसिक पेटल सक्सेशन, दैट इज द टर्मिनल फ्लावर इज ओल्डर एंड ओपन अर्लियर देन द लैटरल वंस, ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो क्या होता है जैसे इसी का देख लो, ये एक टाइप है साइमोस का, तो इसमें क्या होता है जैसे मेन एक्सिस है सब एंड हो रहे फ्लावर में, उसके जो ब्रांचेस है सब वो भी एंड हो रहे फ्लावर में, तो इसमें सब जो एक्सिस रहता है उसको एंड हो जाता है फ्लावर में। तो रेसिमोस में जैसे सेंट्रिपिटल था, साइमोस में सेंट्रीफ्यूगल रहता है। साइमोस इंफ्लोरेसेंस इज ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनेट टाइप, डेफिनेट टाइप, और असल में यहाँ डिसकंटिन्यूस आएगा ना कि कंटिन्यूस। द वेरियस टाइप्स ऑफ साइमोस इंफ्लोरेसेंस आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर, तो अब साइमोस इंफ्लोरेसेंस का टाइप देखेंगे, यूनिपैरस साइम और मोनोचेशियल साइम। मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर एंड इट प्रोड्यूसेस ओनली वन लैटरल ब्रांच एट अ टाइम एंडिंग इन अ फ्लावर, तो क्या मेन एक्सिस फ्लावर में एंड हो रहा है वो एक लैटरल ब्रांच प्रोड्यूस करता है, तो वो भी एंड होता है फ्लावर में, फिर ये अगला जो है वो एक लैटरल ब्रांच प्रोड्यूस करता है, वो एंड होता है फ्लावर में। ठीक है, द लैटरल एंड सक्सेडिंग ब्रांचेस अगेन प्रोड्यूस ओनली वन लैटरल ब्रांच एट अ टाइम इन दिस वे, यूनिपैरस साइमस ऑफ टू टाइप्स, इसके दो टाइप रहते हैं, इन मोनोसेशियल साइम सक्सेसिव एक्सिस में बी एट फर्स्ट जिगजैग और कर्व बट सब्सिक्वेंटली बिकम स्ट्रेटेंड आउट ड्यू टू देयर रैपिड ग्रोथ, तो पहले शुरू शुरू में थोड़े जिगजैग पैटर्न में उगते हैं, उसके बाद लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेट हो जाते हैं, उस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को सिम्पोडियल साइम भी बोलते हैं। इन सिंपोडियल जाइम अ ब्रैक अपियर्स
अपोजिट टू अ फ्लावर, व्हाइल इन रेसिनोस इन्फ्लोरेसेंस अ ब्रैक्ट अपीयर्स एट द बेस ऑफ अ फ्लावर। इसमें ब्रैक्ट अपोजिट में रहता है सिंपोडियल जाइमिन, और जब रेसिनोस इन्फ्लोरेसेंस जो रहता है उसमें फूलों के बेस पे ही रहता है। अब हेलिकॉइड यूनिपेरस साइम, यूनिपेरस साइम इन विच द लैटरल ब्रांचेस डेवलप सक्सेसिवली ऑन द सेम साइड। अब सेम साइड में जैसे एक ही साइड में ऐसे जा रहा है और एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना देता है। इसका एग्जाम्पल है हेमेलिया और बेगोनिया। अब स्कॉर्पोइड यूनिपेरस साइम तो इसमें जिगजैग पैटर्न में उगता है, जैसे यहाँ पे एक हुआ फिर अगला यहाँ एक ही साइड में उगता है ये भी, ठीक है, तो फिर उसमें अगला यहाँ पे आएगा, ऐसे जिगजैग मैनर में जाता है। यूनिपेरस साइम इन विच द सक्सेसिव लेटरल ब्रांचेस डेवलप ऑन ऑल्टरनेट साइड इन अ जिगजैग मैनर, तो ये हमने कॉटन में देखा होगा। और फिर एक और एग्जाम्पल है रानकुलस। अब जो है बाईपेरस और डाइसेशियल साइम, इसमें क्या होता है मेन एक्सिस एंड इन अ फ्लावर, और जो मेन एक्सिस होता है ना वो जब फ्लावर में जब एंड होता है तो उसी समय उसके साइड से दो ब्रांचेस निकलते हैं। इट प्रोड्यूसेस टू लेटरल यंगर फ्लावर्स, या तो फ्लावर बन जाएंगे, ब्रांच ब्रांच तुरंत फ्लावर बन जाएंगे, या तो फिर वो ब्रांच उग के बड़े होके फिर उसका एंड जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा फ्लावर में। द लेटरल एंड सक्सीडिंग ब्रांचेस बिहेव इन द सेम मैनर। इसमें क्या होगी, ये पहले होगा उसके बाद ये साइड के लेटरल ब्रांचेस आ गए। अब ये साइड के लेटरल ब्रांचेस जब उग के इनमें फ्लावर आ जा रहा है तो फिर फ्लावर होकर टर्मिनेट हो जा रहे, तो फिर यहाँ से दो सक्सेसिव ब्रांचेस निकले, तो यहाँ पे भी है। द लेटरल एंड सक्सीडिंग ब्रांचेस बिहेव इन द सेम मैनर, दिस इज कॉल्ड ट्रू साइन। इसको ट्रू साइन बोला जाता है। एग्जाम्पल है इसका जैस्मिन, इक्सोरा, टीक, बोगेनविला एक्सेट्रा। अब मल्टीपैरस साइन और पॉलीचेशियल साइन, मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर, एट द सेम टाइम इट अगेन प्रोड्यूसेस मोर देन टू लेटरल ब्रांचेस। ठीक है, तो मेन एक्सिस जब फ्लावर में एंड होता है तो उसी समय दो से ज्यादा लेटरल ब्रांच निकलते हैं। होल इनफ्लोरेसेंस लुक्स लाइक एन अम्बल, बट हियर द मिडिल फ्लावर ओपन्स फर्स्ट। तो क्या होता है, अम्बल हमने पढ़ा था, लेकिन अम्बल रेसिनोस होता है और रेसिनोस में हमेशा बाहर के फ्लावर पहले खुलते हैं, लेकिन ये साइमोस है तो साइमोस में अंदर के फ्लावर पहले खुलते हैं। जैसे ही बाहर के में बर्ड्स हैं अभी भी, ये अंदर के फूल बन चुके हैं। इसका एग्जाम्पल है नीरियम और कैलोट्रॉपिस। और अब स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में आते हैं तो साइथिन, ठीक है, वन फीमेल फ्लावर रिड्यूस टू पिस्टिल इन द सेंटर, ये पिस्टिलेट फ्लावर है ये, एंड सीटेड ऑन लॉन्ग स्टॉक, ये उसकी डंडी लॉन्ग स्टॉक, ठीक है, एंड मेनी मेल फ्लावर्स इज रिड्यूस टू अ सॉलिटरी स्टेमेन सीटेड ऑन शॉर्ट स्टॉक इन अ कप शेप इन्वोल्यूक्री, वो है कप शेप इन्वोल्यूक्री है विद नेक्टर सेक्रेटिंग ग्लैंड। द फ्लावर्स फॉलो द सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। इसमें साइमोस इन्फ्लोरेसेंस ही रहता है, फ्लावर्स फॉलो करते हैं, लेकिन ये एक अलग ही टाइप का फ्लावर रहता है, सब देख सकते हो। द फीमेल फ्लावर इन द सेंटर मेच्योर्स फर्स्ट, तो फीमेल जो रहते हैं वो पहले मेच्योर होती है और फिर मेल उसके बाद में मेच्योर होता है। इसका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया और स्पर्जेस। यूफोर्बिया में पॉइनसेटिया है मेन एग्जाम्पल। यूफोर्बिया के कई टाइप्स होते हैं। अब ये वर्टिसिलस्टर, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस विद अ क्लस्टर ऑफ ससाइल फ्लावर्स इन द एक्सिल ऑफ लीफ। अब क्या होता है कि ये भी एक टाइप का साइमोस इन्फ्लोरेसेंस ही है, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ ससाइल फ्लावर्स होते हैं एक्सिल ऑफ लीफ, ये लीफ एक्सिल्स है, यहाँ पे ससाइल फ्लावर्स होते हैं। फर्स्ट एक्सिस गिव्स राइज टू टू लैटरल ब्रांचेस एंड दीज ब्रांचेस एंड द सक्सीडिंग वन बेयर्स ओनली वन ब्रांच ईच ऑन ऑल्टरनेट साइड। तो क्या होता है, जो फर्स्ट एक्सिस रहता है वो दो लैटरल ब्रांच निकालता है, दो लैटरल ब्रांच जो निकालता है उसमें फिर एक ही ब्रांच होता है ऑल्टरनेट साइड में, ठीक है। द बाईपेरस साइम इज रिड्यूस टू यूनिपेरस साइम, वन ऑन ईच साइड ऑफ द नोड। एग्जाम्पल तुलसी का पौधा देख लेना, क्लियर समझ में आ जाएगा, मेंथा कोलियस एक्सेट्रा। स्पेशल टाइप में हाइपेनथोडियम, एंड द फ्लैशी रिसेप्टिकल फॉर्म्स अ हॉलो कैविटी, ये रिसेप्टिकल है इसका बाहर का, ये हॉलो कैविटी इसके अंदर का, मोर और लेस पियर शेप विद अ नैरो एपिकल ओपनिंग गार्डेड बाय स्केल्स इन द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स एंड बॉर्न ऑन द इनर वॉल ऑफ कैविटीज में। इनर वॉल ऑफ कैविटी में मेल और फीमेल फ्लावर्स उगते हैं, और इस इन्फ्लोरेसेंस को हाइपेनथोडियम बोलते हैं। ये आपको पीपल के पेड़ में मिल जाएगा, फाइकस के जितने भी स्पीशीज है उसमें काफ़ी स्पीशीज में हाइपेनथोडियम ही मिलता है। डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब रेसिमोस और साइमोस का डिफरेंस, ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इनडिटर्मिनेट डिटर्मिन है, कंटिन्यूस रहता है, लिमिटेड रहता है, फ्लावर में एंड हो जाता है, एंड ऑफ द एक्सिस बेस बर्ड, बेस फ्लावर, ये बेस बर्ड मतलब ये लीफ बर्ड की बात हो रही है ऐसे। ऑर्डर ऑफ फ्लावर ओपनिंग एक्रोपिटल और सेंट्रिपिटल, साइमोस बेसिपिटल और सेंट्रिप्यूगल। तो एक्रोपिटल में क्या देखा था हमने कि ओल्डर फ्लावर्स और जो लोअर फ्लावर्स या आउटर फ्लावर्स जो रहते हैं वो पहले मेच्योर करते हैं,
साइमोस में क्या रहता है, उसका उल्टा रहता है जस्ट, ठीक है। तो एग्जांपल्स है, रेसिमोस में गोल्ड मोहर, कैस्टर कैस्टर मस्टर्ड, साइमोस में जैस्मिन कॉटन। ये था दोस्तों आज का टॉपिक, इनफ्लोरेसेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।